हाय फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले इस गाय को हमने बनाया था। अगर आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखा तो चैनल में जाइए, ये वीडियो देख लीजिए। और आज इस गाय के ऊपर एक सुंदर सा महादेव की मूर्ति बना के दिखाऊंगा। सो पहले महादेव की जो पेड़ है, वो पेड़ को हम इस तरीके से लगा लेंगे। फिर उसके ऊपर जो बॉडी है, बॉडी का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दे लेंगे। और ये जो महादेव होगा, ये महादेव बहुत ही मोटा होगा। पेट जो है, पेट में ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी लगानी होगी। बहुत ही मोटा करके बनाऊंगा ताकि दिखने में अच्छा लगे। ये देखिए, मिट्टी बहुत ज़्यादा लगेगा, एकदम पूरा फुला के बनाऊंगा। बॉडी के ऊपर में दो टुकड़े मिट्टी ऐसे लगा लिया, फिर पेट के ऊपर लगा दिया। ये देखिए हो चुका है। ये देखिए बहुत ही मोटा होगा, एकदम गोल करके बनाऊंगा। ये देखिए एकदम फेट होगा पूरा। देखिए हो चुका है। और ये मूर्ति बनाने का मिट्टी कैसे तैयार किया जाता है, अगर ये वीडियो आप देखना चाहते हो तो हमारे चैनल में जाइए, चैनल में है। और उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, आप वहां जाकर देख लीजिए। ये देखिए वो जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो हो चुका है। और अभी ये जो महादेव की जो कपड़ा होगा, बाघ का जो साल होगा, उस साल से होगा। ये देखिए हो गया, पेट में और भी थोड़ा सा मिट्टी लगा लिया। और अभी ये जो पेड़ है, पेड़ को बनाया कुछ इस तरीके से। ये देखिए हो गया। और इस तरीके से दोनों पेड़ को हम बना लेंगे, इस तरीके से। ये देखिए कुछ इस तरीके से बना लेंगे। ये देखिए पेड़ हो गया। फिर ये जो गर्दन होगा, गर्दन को भी कुछ इस तरीके से बना लिया। अभी इसको 2 से 3 घंटे हवा में रख देंगे ताकि ये जो मिट्टी है ज़्यादा गीली है, ये थोड़ी सी टाइट होने के बाद कुछ इस तरीके से हमने पूरा स्ट्रक्चर को डिटेलिंग कर लेंगे। अगर पूरा साथ ही करेंगे तो ये नहीं हो पाएगा। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमने पूरा बॉडी को डिटेल करने के बाद और उंगली में पानी लगा के कुछ इस तरीके से प्लेन क्लीन कर लेंगे, प्लेन और क्लीन करेंगे। ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है, थोड़ी सी हल्के हल्के करके कुछ इस तरीके से हमने एकदम पूरा क्लीन कर लेंगे। और क्लाई का जो टूल्स है वो हमने खुद ही बनाया कुछ। ये देखिए कुछ इस तरीके से जो बाघ का जो साल है उसको भी क्लीन कर लिया। ये देखिए आप भी ऐसे करेगा। ये देखिए हो गया। अभी ये जो पेड़ है, पेड़ को भी कुछ इस तरीके से एकदम पानी की मदद से प्लेन कर लेंगे। देखिए हो गया। ये देखिए अभी ये जो नाभि है, नाभि को दे दिया पेट में। फिर पैर का जो उंगलियां है कुछ इस तरीके से दे देंगे। ये देखिए फिर उसके ऊपर ये मिट्टी का लेयर लगा दिया। ये लगाने के बाद ये जो कपड़ा का जो फिनिशिंग है वो अच्छा होगा, फिनिशिंग आएगा। फिर उसके ऊपर पानी से ब्रश मार लिया, फिनिशिंग ये देखिए हो गया। अब इसके ऊपर देखो इस तरीके से घाट काट के दे दिया दिखने में ताकि अच्छा लगे। ये देखिए हो गया। अभी इसका जो हाथ होगा, हाथ को लगा लेंगे। ये हाथ बनाने का वीडियो नहीं कर पाया क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाता है। हाथ बनाने का वीडियो अलग से बनाया हुआ है, चैनल में जाकर देख लीजिए। और बहुत सारी वीडियो में हमने हाथ को कैसे बनाए जाते हैं पूरा डिटेल करके दिखाया। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा चैनल में जाकर देख लीजिए। और उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगा। और ये देखिए अभी ये जो फेस है, फेस को लगा लिया कुछ इस तरीके से। हमने ये फेस को जो मोल्ड होते हैं, मोल्ड की मदद से बनाया। और छोटा फेस बनाने का वीडियो भी
हमारे चैनल में है, एकदम पूरा डिटेल्स करके बनाया है। आप वो वीडियो भी देख सकते हो, उसका वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अभी ये देखिए महादेव की जो बाल होगा, बाल को हमने कुछ इस तरीके से बना लिया, ये देखिए। सो बाल को लगाने से पहले ये जो महादेव की जो सांप होगा, सांप को कुछ इस तरीके से लगा लिया, और ये देखिए बालों को कुछ इस तरीके से लगा लिया, और ये जो कानफुली है, कानफुली को भी हमने दे दिया, ये देखिए हो चुका है। और ये जो सांप है, सांप को कुछ ये जो गजाल है, गजाल या कि तार होगा, तार की मदद से इसको लगा लिया। ये देखिए हमारा त्रिशूल को भी बना लिया, त्रिशूल को भी लगा दिया, ये देखिए। ये देखिए महादेव की जो मूर्ति है बनकर रेडी हो चुका है। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही वीडियो मिलते रहेगा। और वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए, और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, और प्यारा सा एक कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।